आप सबका स्वागत है ओवेज आयत के मस्ती भरे व्लॉग में। तो गाइज, रात में आप देख रहे हो पीछे इतना अंधेरा। मैं उतरी थी नीचे, बस ऐसे ही थोड़ा मिसबा से भी गई थी मिलने, पर वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस यूं ही मिल के आई। तो आयत ओवेज को ना शौक चढ़ा है रात में पिज्ज़ा खाने का। यहाँ पे देखो आयत को मस्ती कर रही है, मस्त डांस वांस कर रही है। पे बन रहा है ओवेज आयत का पिज्ज़ा। दोनों कैसे देख रहे पिज्ज़ा बनते हुए। ए गन बुक्कड़ लो, ए बुक्कड़, ओवेज बुक्कड़। आयत गिर जाओगे। ले आयत आज पिज्जा खाएगी, वाओ डिनर में। तो देखो गाइस कैसे बन रहा है पिज्जा। लोग वैसे बनता है मस्त, जाली वाली पे रखते हैं। कितना अच्छे से बना रहे ना अंकल। नहीं, अफ्तारी माशाल्लाह से हो चुकी है और शाम हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अम्मी के यहाँ जाऊँ, क्योंकि आज है नहीं भाईजन का बर्थडे। ओवेज आयत, ओवेज आयत बोल बोल के सिर्फ ओवेज आयत ही मुंह में आता है। तो आज है भाईजन का बर्थडे, तो मुझे कॉल आया था महमूद का, वो बोल रहे थे कि चलो भाभी तुम भी आ जाओ, और हम लोग भी बस आ रहे हैं तो भाईजन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैं केक लेके आता हूँ। तो फटाफट से निकलती हूँ बच्चों को लेके अम्मी के घर, और मिलती हूँ आपको अम्मी के घर पे। गाइस यहाँ पे दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, मम्मा यहाँ पे ये खा रहे क्या, समोसा, और ये पता नहीं अम्मी को पता है, मेरे को नहीं पता भैया। ये मेरे को लगता है ये है आलू का चीज बॉल टाइप कुछ है। ये अफ्तारी हम लोगों को पड़ोस से आई है, चीज बॉल। ये अफ्तारी हम लोगों को पड़ोस से आई है, तो मैं अम्मी से मिलने आई क्योंकि आज है भाईजन का बर्थडे, तो हम लोग भाईजन को विश करने हैं। तो गाइस अभी छोटी मम्मा आने वाले और इनको चाचू आने वाले, अभी आप वेट करते हैं। ये देखो बुआ जी। हाय। तो बुआ जी आज आपने मेरे को खिलाए थे ना पिज्जा। यार अफ्तारी भेजे थे घर पर। यार आ चुके हैं महमूद, मिसबा, और ये तो पहले से ही आया हुआ था। कैसे बैठा है देखो। और क्या करना है तुम लोग? बर्थडे सेलिब्रेट करना है, झूला झूलना है। मम्मा यहाँ बैठो ना। ये इनकी मम्मा और ये मिसबा। तो इन लोग आए हैं गाइस भाईजन का बर्थडे सेलिब्रेट करने, और अभी कुछ ही देर में भाईजन के लिए केक वेक लाए हैं, कट होगा फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जब तक आप इनसे मिलो, और थोड़ा इंट्रोडक्शन दो हमारे भी वीडियो में। सॉक्स वॉक्स पहन के ना गंदे, गर्मी है नीचे, और तुम पहने हो सॉक्स, पहनो ठंडी में पहनते, गर्मी में पैर पड़ जाते। ये इनका उल्टा ही हिसाब है। मैं ठंडी में सुनी हूँ, मेरी गाड़ी उल्टी चलती है। मैं ठंडी में सुनी हूँ पैर फटते तो सॉक्स पहनते, मेरे पैर फट जाते, इसलिए मैं 24 घंटा। अरे वाह। और वॉशरूम भी जाता हूँ तो मोजा पहन के जाता हूँ। अरे ये, अरे मैं तो नोटिस ही नहीं, ये भी पहन के आए, अच्छी फैमिली है। मेरा फट जाएगा चलेगा, उनका नहीं फटना चाहिए। हाँ सही बात है, तो मेरे को ही वैक्सीन लगाना पड़ता है, इसीलिए नहीं फटना चाहिए, क्योंकि उनको काम बढ़ जाएगा। काम से आने के बाद फिर वो 2 घंटा करो, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अम्मी आपके तो बेटे का बर्थडे, अम्मी खुश हो रहे एकदम। अम्मी खुशी से फूले नहीं समा रहे, बड़े भाईजन का बर्थडे आज, और अम्मी बेचारे हाथ में पट्टी लगा के बैठे। कब सही होएगा अम्मी? अल्लाह का मालूम, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो गाइस आप लोग दुआ कीजिए कि अम्मी का हाथ ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और हम लोग को अच्छा सा खाने मिले वापस से। अम्मी का जब से हाथ ठीक नहीं हुआ, जब से अम्मी क्या कुछ बना नहीं रही है यार, क्या करें मेरी अम्मी बेचारे। अब भी वो भजिया तल गई तो ये जल गया, भजिया तलने से ये जल गया। कढ़ाइयां छू गई है, महमूद का एक ही नुकसान होता है, आपके हाथ का पतला सालन चिकन का नहीं मिलता है ना, वही ज्यादा मिस करते हैं। आलू कौन बनाया था? बहुत अच्छा था। हाँ स्वाद का है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, कच्चा भी नहीं था, कच्चा प्रॉपर। अरे सेम मैं भी सोची
इमली का पानी किधर है? इमली का पानी अच्छा बट इसको बताओ टेस्ट बहुत अच्छा रहा, खट्टा था। अरे वो इमली जो नहीं मंगाए थे ना पैकेट वाला, अच्छा वो सॉस टमाटर का टेस्ट क्यों आ रहा था? इमली का टेस्ट आ रहा था आपको? ये इमली खा के उसके अंदर डाली थी। समझ गया मैं, मिजबान ने तो एकदम हाथ जोड़ जोड़ के खाया, मतलब यहाँ पे देखो माशाल्लाह मेरा हिजाब पहन के जिससे मैं गिर के टकला फोड़ ली थी वही वाला पहन के ये घूम रही है। और देखो उसको बड़ा हो रहा था तो क्लिप लगा के आ गई। कितनी रकात नमाज पढ़े? तरावी तरावी पढ़ ले, नहीं तरावी पढ़ाओ इसको। ओवेज रज्जे का है बेटा, इसके ऊपर से उसकी खुशबू आ रही है कबाब, मतलब ये हिजाब पहन के मैंने जब बनाई थी ना खाना बनाते हैं तो ऊपर आ रहा है, तो अभी इंसान रहेगा ना उसके ऊपर से इसका फेंक देना। अल्लाह गाइस यहाँ पे खाना लग चुका है और मिसबा महमूद ने लाए हैं खेपसा खेपसा राइस। वाओ माशाल्लाह भाईजन का बर्थडे स्पेशल, हैप्पी बर्थडे भाईजन। और अम्मी थक गए। और बाकी दो जन का है यहाँ पे ये निकालने में ना ऊपर से बहुत ऐसा कभी गिरने का डर रहता है, इसलिए तुमको ये काम अड़ाया हमने। हाँ तो हम लोग इससे हम लोग के आंखों पूरा हो जाता सूप। तो गाइस ये रहा गर्मा गर्मा सूप, गर्मा गर्मा सूप जो मैंने बनाया हूँ। अच्छा तो आप लोग खा के बताइएगा, देख लो आज गाइस ये मैंने बनाया हूँ। अच्छा तो खा के बताएंगे हम लोग, हम लोग खा के बताओ। और आया नहीं, हम लोग बाहर से लाए, मैंने बनाया। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया और खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू मिसबा खेपसा के लिए, बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अम्मी कैसा था खाना? अच्छा था, बहुत अच्छा। और पापा भी बैठ गए एकदम रेडी। और भाईजान बर्थडे बॉय उठ जाओ अभी आप, बर्थडे मैन मैन बॉय हम लोग। ओह माय गॉड, तुम तो आए तो बेटू है। हाँ बेटू है, बर्थडे बॉय, बर्थडे ओल्ड मैन, बर्थडे बॉय ऐसा रहता है, बर्थडे मैन ऐसा रहता है, बर्थडे बॉय ऐसा रहता है। अरे बाप रे, मैन बर्थडे वार भी लग रहे तुम एल्सा। तो ओवेस तो सो चुका है और भाईजन का चलो केक देखते हैं। ए भाईजन का केक, ओ माशाल्लाह अच्छा लग रहा है बहुत। तो चलो भाईजन उठ जाओ आप भी, बेटू को उठा, बेटू को। हाँ देखती हूँ ट्राई करती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाईजन, happy birthday to you, ताली बजाओ सब लोग, सब लोग ताली बजाओ। वाह अरे ये जादू है, जादू है, जादू है, ये जादू है, जादू। तो गाइस यहां पर केक कट चुका है, अभी सब खाएंगे जो नॉर्मली होता है, सबको एक एक पॉइंट खिलाया जाएगा। सैरी कट रहा है, केक खिलाई रसम, केक कट रहा है सैरी में, मतलब सैरी से 10 मिनट आधा घंटा पहले कट रहा है। तो केक कटने तो यहाँ पे भाईजन के लिए जो केक लाए थे कट चुका है और सब खा, और चुके सब खा भी चुके हैं, और भाईजन खुद उठाकर इसको अंदर लेके जा रहे हैं। ओवेस सो रहा है, ओवेस अभी बस उठेगा सैरी करने के लिए। और तुम सैरी, तो तुम धक्का देकर मेरे को अंदर आए हो? मैं बोली हट जाओ, मेरे बेटे को दिखा दूं मैं। नहीं भाई। सो गाइस अब जा रहे हैं लोग अपने अपने घर, और जा रहे हो अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मिलना वापस। और ये देखो ये हमारी प्यारी नमाजी तहज्जुद पढ़ के खाना खाने जा रहे हैं, और इन लोग भी बस निकल रहे हैं। जा रहे हो? हाँ चलो, मैं क्यों सुन कैसे देखो इनका, मैं बोल रही हूँ हम लोग के घर पे चलो। अरे घर की बात छोड़ दे, यहाँ हम लोग आए थे केक काटने के लिए। हाँ तुम तो रात का खाना भी खा लिए, सेल्फी करने जा रहे हो, मेरे को लग रहा है तो मैं जिसके साथ आई थी वो जो मेरा घर में जो एक ही सदस्य है मैन, वो ओवेस एक ओवेस, तो ओवेस सो चुका है मेरे को जो लेके जाता है और लेके आता है। तो क्या टिंग टिंग, क्या टिंग टिंग, काउंटिंग मशीन है मेरे पास जो मैं पढ़ती हूँ। एक्स्ट्रा नहीं है? नहीं नहीं एक्स्ट्रा क्या, कुछ भी एक्स्ट्रा मम्मी है पे ये दिखे तो ले लो।
तुमको चाहिए तो फिर ले लो। गाइस महमूद मिसबा चले गए हैं अपने घर सैरी करने के लिए, क्योंकि महमूद को कुछ काम था, और अभी हम लोग जा रहे हैं सैरी करने। सोनम ने हम लोगों के लिए चाय बना दी है, थैंक यू। पाव भी आ गए, और आयत मेरा पार्सल लाई है। चलो अम्मी, अरे अम्मी को तो अब नींद भी आने लगी, और चलो फिर चाय पाव खाते हैं। ओके, आयत की डायरी छोटी मम्मा ने लिख के गए थे, छोटी मम्मा ने टट्टी लिखे थे, तो आयत ने पूरा रॉन्ग कर। ओवेस को भी बस हम लोग उठाने जा रहे हैं सैरी करने के लिए। ओवेस ए बेटा उठो, आप बोले थे ना छुट्टी रहेगी तो करूंगा सैरी, उठो। और पाँव भी आ चुका है माशाल्लाह। चलो फिर जाते हैं फटाफट से सैरी करते हैं। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी मुकम्मल हो चुकी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, मतलब फजर पड़ेंगे फिर सो जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ सहरी करने के बाद सब क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ओवेस कर रहा है ब्रश, सहरी के बाद अपना मुंह क्लीन कर रहे हैं और क्लीन वगैरह कर रहे हैं। और आयत ने भी यहाँ पे खा ली है, वो बोलती मैं भी सहरी करूँगी और सोऊंगी। खा लिए, क्या हुआ ज़्यादा हो गया। और अम्मी पापा भी इधर सैरी कर चुके हैं, भाईजन की भी सैरी हो चुकी है। फिर बस आयत यहीं पे करते हैं हम प्यारा सा छोटा सा व्लॉग। व्लॉग हिट द बेल आइकन, आपको मिलते हैं कमेंट भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।